एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनो लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अभी आफ्टरनून के बज रहे हैं 3 और डे है आज मंडे। सो गाइज, अभी सुबह का जो भी काम वाम था सब फिनिश हो गया है और गुड न्यूज़ ये है कि आज से मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ गई है। तो काम मेरे फटफट सारे हो गए थे, ब्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया और आज मैं बता दूं मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने और मुझे छोले भटूरे खाने थे, ठीक है, तो मैंने अभी ऑर्डर किए हैं जोमेटो से छोले भटूरे। तो विद इन अ 5 मिनट तो हो ही गए होंगे, आने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले खाना वाना खा लूँ और आज मैंने ना अपने लिए काम निकाल लिया है, ठीक है। डेली का क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम काम करते रहे तो काम टाइम भी स्पेंड हो जाता है अच्छे से, और आज कुछ भी करने के लिए नहीं है। आज ना मैं ना डिनर बनाने वाली हूँ और ना ही लंच मैंने बनाया। आज फुल डे मेरी छुट्टी है, घर रहकर भी छुट्टी हो सकती है, कभी कभी मूड नहीं होता है कुछ भी करने का। सो गाइज, आज मैं कुछ नहीं कुक करूँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं आज अपने हस्बैंड की वार्डरोब लगाने वाली हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। पूरे ही कपड़े उन्होंने फैला दिए हैं तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और उसके सारे कपड़े उनके निकालने के बाद बेड पे डाल दिए हैं, और उसके बाद अच्छे से पूरी उनकी कबर्ड अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। उसके बाद अगर मन हुआ तो मैं अपनी भी कबर्ड ऑर्गेनाइज करूंगी ढंग से, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गई है, ठीक है। इस तरह से मैं सोच रही हूँ, फिर अपनी मेकअप वाला भी जो सेक्शन है उसे भी करूँगी। तो धीमे धीमे से कभी जब जब मेरा मन होगा तो मैं वैसे वैसे करती जाऊँगी। तो अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। पहले मैंने सोचा तहरी बना लेती हूँ, फिर मेरा मूड नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई। काम मतलब है हाउस हेल्पर के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी हो गई, मैंने कुछ नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं करते तो घर के कुछ ना कुछ काम ही कर लेते। तो फिर मैंने यही काम निकाला कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। और जैसे कि ये मंथ चल रहा है सितंबर का, तो इस मंथ में मेरे देवर की शादी है। सो गाइज, आपको पता नहीं, जब भी मैं ब्लॉग बनाने वाली होती हूँ बाहर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है, तो पता नहीं कुछ निकल रहा है बाहर। हाँ, तो इस मंथ है मेरे देवर की शादी, तो मस्त मस्त आपको मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये जो मतलब लास्ट सितंबर में आपको बहुत अमेजिंग से मेरे ब्लॉग जो शादी के ब्लॉग्स हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं सितंबर के ब्लॉग अक्टूबर में, मतलब शादी के टाइम तो इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो कैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, मैं अक्टूबर में जल्दी जल्दी से एडिट करके मैं आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। और अभी मैं बता दूँ मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, तो अभी जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें मैं शॉपिंग करूँगी। और थोड़ा थोड़ा तो मैंने ले लिया जो मैं आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर मैं बाद में शेयर करूंगी। लेकिन पहले मैं ब्लॉग में नहीं दिखाने वाली हूँ कुछ भी, मतलब दिखा दूंगी अगर होगा पॉसिबल, जैसा भी होगा। तो अभी मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, कुछ ऐसी रैंडम शॉपिंग कर लेते हैं, कभी मेकअप का स्टफ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, अभी मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं ले लेती हूँ, कभी भी कुछ गई तो कुछ मेकअप का ले लिया, कभी फिर कुछ ले लिया, तो उसी तरह से अभी चल रहा है। तो बट मैं संडे को, हस्बैंड बोल रहे थे इस संडे को हम चलेंगे तुम्हारी शॉपिंग करने के लिए, हस्बैंड भी शॉपिंग करेंगे, तो अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है। और नेक्स्ट वीक आने वाली है, मेरा बर्थडे वीक आ रहा है, तो ठीक है यार, एक एक साल हम वैसे भी बड़े हो रहे हैं तो क्या ही उसका सेलिब्रेशन। लेकिन हाँ यार, बर्थडे है तो लगता है ना कि हाँ बर्थडे है, तो ठीक है यार। तो बस मैं आपसे ऐसी चिट चैट कर रही हूँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा वेली थी, कुछ भी काम ज़्यादा नहीं था तो निकाल लिए मैंने अपने आप से ये काम। और आज मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैं बता दूँ मैं अपने आप से ये डिसीजन नहीं लिया कि मैं कुछ नहीं डिनर पे बनाऊँगी। मैंने हस्बैंड से पूछा पहले कि आज आप क्या खाओगे, तो कहने लगे आज तुम कुछ भी नहीं बनाओ, मैं कुछ लेकर ही आऊँगा बाहर से। तो भाई, हमसे ज़्यादा खुश नसीब कौन ही हो सकता है कुछ ना कुछ जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा। तो मैंने कहा ओके, दोपहर में मैंने ऑर्डर कर लिया, तो आज मैंने फुल ट्रीट दे दी अपने आप को। कुछ भी नहीं बनाते हैं तो घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं, तो घर फुल क्लीन हो गया है मेरा अच्छे तरीके से। और जब हाउस हेल्पर आ जाती है तो काम भी जल्दी जल्दी से फारिग हो जाते हैं। और अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला तो आज या कल से कुछ ना कुछ अच्छे वीडियोस भी बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी स्पेशली मैं, तो मुझे रील्स में बड़े ही मज़े आने लगे हैं। चलिए, और आपको मेरे ब्लॉग्स थैंक यू सो मच अच्छे लगने लगे हैं, वही मतलब थोड़ा सा और व्यूज़ बढ़ाइए मेरे ब्लॉग्स को देखिए तो और भी आपको मज़े आ जाएंगे।
ठीक है। आज मैं ये बैंगल्स पहने थी, मेरी जो हाउस हेल्पर वो दीदी आपकी मतलब आपकी भाभी आपकी, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैंने ये आपके मैं ना ये अपनी नानी के घर से लेकर आई थी, तो वही मैंने पहन लिया है। बहुत बड़ा सेट था बट मैंने इतना ही पहना है, अब पता नहीं मैं कितने दिन और पहन के रखूँगी। मम्मी के घर पर गई थी ना, तो ये देखो, तो मैं घर मतलब मैं पहन के गई, तो मैं पता नहीं नाक में इतनी खुजली मच रही है, तब मैं वहाँ पर पहन के गई थी, जब से मैं अभी तक यहाँ पर पहनी हूँ। मेरे हाथ ना बैंगल्स में बहुत ही प्रिटी लगते हैं, तो शार वगैरह सब ले लिया, सब फ्री हो गई हूँ, बस वेट कर रही हूँ खाना वाना खाने के लिए। सुबह मैंने आज नाश्ते में बनाए थे सैंडविचेस, ठीक है। तो सैंडविच मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, आलू की स्टफिंग करके जो हम बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। नो चीज़, नो मेयोनीज, वैसे ही तो बिना कुछ के ही तो फैट मतलब इतना ज़्यादा बॉडी में मतलब बढ़ता ही जाता है, मोटे होते ही जाते हैं। तो मैं तो ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे देखेंगे, मैं बिल्कुल भी ये मेयोनीज़ और चीज़ बिल्कुल भी अपने खाने में नहीं लेती हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ तो मैं नहीं लेती हूँ। तो वो बिल्कुल सिंपल आलू वाले मैंने बना लिए हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, वही मैंने बना के खाए थे। तो अब टाइम इतना हो गया तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैं आपको दिखा दूँ अभी तो आने में उसको 10 मिनट, तो चलते हैं रूम में जहाँ पे कबर्ड है, और वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं कि हस्बैंड के किस तरह से कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये सारे मैंने इनके सारे जितने भी कपड़े थे सारे अच्छे से निकाल दिए हैं, पूरी सारे कपड़े हटा दिए हैं इनके, जो भी मतलब इनके पहनने वाले नहीं थे, तो ये जितने हैं सब इनके मोस्टली पहनने वाले ही हैं, और जितने भी देने के थे सारे उनके मैंने कपड़े दे दिए हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा अब सारे इस तरह से ना कपड़े भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये पैंट मैंने नहीं निकाली है, इनको भी निकालूंगी और अच्छे से अरेंज करूंगी। ये भी 2 से 3 शर्ट्स हैं, ये भी तो इनके ना मैंने ज्यादा से ज्यादा ना जितने भी कपड़े थे सारे दे दिए हैं। ये सारे न्यू हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारे कपड़ों को मैं अच्छे से अरेंज करती हूँ ज़्यादा से। आप ये देखो शर्ट सारी अच्छे से तय बनी तो रखी है, इसको तय नहीं बनाना, फिर भी हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हो ये पूरी कबर्ड का हाल कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखो आप। और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट नवंबर के टाइम में अपनी जो अलमीरा थी वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी। अब आप देख सकते हो कब कौन सा टाइम चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मैं करती रहती हूँ, मतलब एक एक निकाल कर तय बना के वो करना पॉसिबल कम हो पाता है। सो मैंने सोचा आज या कल या आज ही ये सारी चीजें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। पीछे से मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ऊपर के कम फिर देखो, ये वो कपड़े हैं जो मैं बिल्कुल भी बहुत ही कम पहनती हूँ, ये ज्यादातर मेरे कपड़े पहनने वाले हैं जो मैं बहुत ही ज्यादा, आपने मुझे देखा होगा मोस्टली मैं पहनती हूँ, एक एक पे दो दो तीन तीन है। यहाँ पर भी तय बने रखे हुए हैं बहुत सारे हैं, और यहाँ नीचे भी हैं, तो क्या ही बोलूँ, कुछ अरेंज हो नहीं पाता है। ये तो थोड़े से इस वाले में है, और आपको जैसे कि बताया ये तो इसको बंद करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि आधे इस कबर्ड में मेरे कपड़े हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए थे, बहुत सारे दे दिए हैं फिर भी ये हैं। और ये तो मेरा अभी न्यू वाला सूट है जिसको मैंने अभी बाय किया 2 दिन पहले ही, और ये नीचे टॉप्स वगैरह हैं, तो क्या ही हटाऊं यार, समझ में बिल्कुल नहीं आता, इतने कपड़े पता नहीं। मैं भी अभी इसमें से भी बहुत सारे कपड़े मैं सोच रही हूँ हटा दूंगी जो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, तो थोड़ी सी ये भी खाली हो जाएगी, तो वहाँ के कपड़े थोड़े यहाँ पर भी शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। सो गाइज मेरा जोमेटो से ऑर्डर आने वाला है 5 से 10 मिनट, तो मैं करती हूँ ब्लॉगिंग बंद, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो वो कॉल करेगा, तो ठीक है पता नहीं नेटवर्क आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब जोमेटो पे ऑर्डर भी कर रही थी 10 से 15 मिनट तक नेट आ ही नहीं रहा था, पता नहीं यार मेरी वीडियो में क्यों होता है ये, क्यों बाहर से ना इतना शोर आता है कि आ ही बोलूँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि आज जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना, तो इतना ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा था, 10 से 15 मिनट इसी में वेस्ट हो गए, नहीं तो अभी तक आप देखो 3 बज गए, मेरा 2:45 बजे से मैं ट्राई कर रही थी, आते आते अभी 3 बजे तक तो आ ही जाता, बट आने वाला है, तो मैं बाद में ब्लॉग बनाऊंगी जब तक मैं देखती हूँ कहाँ पर पहुंचा है जब तक मेरा ऑर्डर। सो मेरा ऑर्डर आ गया है, चलो इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं। घर पर आते आते जो भटूरे हैं बिल्कुल जितने भी फ्लफी होते हैं एकदम चिपक जाते हैं, तो बस वही प्रॉब्लम हो जाती है, नथिंग एल्स, और तो सब ठीक ही रहता है। ये है
और ये इनकी सो कॉल्ड सैलेड और ये इनका चार। चलो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ये ही जो हाल हो जाता है ना भटूरे का आते आते, तो वो ही मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, मंगा लिया तो मंगा लिया। इतने अच्छे और इतने टेस्टी और इतने थिक होते हैं ना, जहाँ से मैं जिस रेस्टोरेंट से मैं मंगवाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होते हैं, मज़ा ही आ जाता है देख कर इसे। अब मैं इसमें डालूँगी तो अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 7 और खाना खाने के बाद मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आई कि मैं सो गई 1 से 1.5 घंटा। देन अब तो मैं बहुत देर की उठ गई थी, देन मैंने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया। तो चलो जो काम अपना दोपहर के टाइम छोड़ के गए थे उसको अब हम पूरा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने हस्बैंड की अलमीरा को अरेंज करना है, उनके कपड़ों को अरेंज करना है, सारे ऐसे ही बेड पर डले हैं, तो अब ये टाइम है करने का। ठीक है, खाना वाना तो कुछ बनाना ही नहीं है और बस हस्बैंड कुछ ना कुछ तो खाना लेकर आएंगे ही। ठीक है, तो वो देखते हैं। चलिए, तो ये है सारा ही सलावा जो हुआ पड़ा है घर के अंदर। मैंने सारे कपड़े इनके अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं। ये सारी इनकी कैजुअल शर्ट्स हैं, ये फॉर्मल हैं जो मोस्टली ऑफिस पहन कर जाते हैं। कभी भी कोई से भी पहन लेते हैं, सैटरडे को तो खैर कैजुअली पहनते हैं, फॉर्मल मंडे टू फ्राइडे पहनते हैं। देन ये इनके सारे ट्राउज़र्स हैं और ये इनकी ढेर सारी ब्लैक एंड ब्लू, और ये हैं आधे ट्राउज़र्स ये हैं। तो अब इनको अरेंज करना है मुझे इसके अंदर। और ये देखो, अभी मैंने ये भी निकाली है, सबको निकालना है, सारे हैंगर को निकाल के गाइस मैंने इनका। सो मैंने इनकी जो कबर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कुछ अलग तरह से इस बार किया है, क्योंकि ये जो रॉड इनका छोटा है इसमें ये जीन्स मैं टांगती थी तो सारे ही मतलब हैंगर टेढ़े हो जा रहे थे, और तो मैंने ये सोचा है थोड़ी सी जीन्स मैं यहाँ रखूँगी, थोड़ी सी यहाँ, और जितने ट्राउज़र्स होंगे वो मैं ऊपर रॉड पर हैंग करूँगी। और ये देखो, इतनी इजीली पूरी शर्ट्स, इतनी जितनी ये सारी शर्ट्स देखो कितने अच्छे से हो गई हैं ये। ठीक है, तो गाइस जितना हो सका मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, पता नहीं अभी कितने दिन तक इस तरह से रहेगा। तो कुछ ट्राउज़र एक एक हैंगर पे मैंने तीन तीन ट्राउज़र्स टांगे हुए हैं, कुछ जीन्स टांग दिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जीन्स यहाँ सामने लगा दूँगी तो ये पूरे ये जीन्स और इनको बिल्कुल शर्ट नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 8 और इतनी मतलब 7 बजे से 8 बज गए, 1 घंटा हो गया है मुझे हस्बैंड के कपड़े फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करते करते। तो अब मैं इतना थक गई हूँ, मेरे तो ऑलमोस्ट सारे ही आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से अरेंज हैं, लेकिन अभी कभी देखते हैं, लेकिन आज तो वो दिन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज नहीं कर रही हूँ मैं, कभी और देखते हैं फ्री टाइम में किसी भी दिन। मेरे तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, और हस्बैंड ने खाना वाना लेकर आ गए हैं, तो दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आए हैं।
पनीर और दाल तड़का, दाल फ्राई, और ये है हमारी सैलेड। इसमें मैं टमाटर और ऐड करूँगी जो जल्दी से बॉयल हो जाए। सो गाइस, यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और मैं अपने हस्बैंड की एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ उनसे छुप कर, कि मैंने खाना निकाल दिया, चाय बंदा खा सकता है, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना साथ में बैठने के लिए तब तक वो नहीं खाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ छुपके से, वो लेटे हुए हैं, खाना सामने रखा है लेकिन खाने वाले नहीं हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, दूध को जब तक देखते रहो तब तक नहीं निकलेगा, और जैसे ही निगाह हटी और दुर्घटना घटी तो मैं आपको उनको दिखाती हूँ। यार कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है, माशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाता रहती हूँ कैसे लेते हैं। मैं उन्हें ही दिखाऊंगी क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है अभी, और मैं नहीं चाहती हूँ वो मैं ऑफिस से आने के बाद मुँह पे कैमरा लगा दूँ उनके। अरे खा, देखा आपने, बैठे हैं अभी, 5 मिनट लगेंगे इसे बॉयल होने, इसे बॉयल हो जाए तब भी जाके वो खाना खाएंगे। ड्राई फ्रूट भिगा दिए हैं, अभी इसमें से बादाम ख़त्म हो गए हैं, तो जो भी है वो मैंने अभी भिगा के रख दिए हैं क्योंकि मैं डेली भूल जाती थी, आज मैंने याद से इसे भिगा दिया। गाइस डिनर हो गया है, टाइम अभी हो रहे हैं 11, हस्बैंड देख रहे हैं मूवी और मैं आ गई हूँ रूम में। मैं तो भाई लेटने वाली हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है इतनी देर तक टीवी देखने का, और वैसे भी आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था टीवी का, हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद ही उन्होंने रिचार्ज करवाया है और मैंने नहीं रिचार्ज किया है। सो गाइज, आई होप यू आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिए।